हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी पॉसिबिलिटी इतनी है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन को रिवीजन करके जाएंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बताइए, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, तो वो देख लीजिए, उनकी कंडीशंस देख लीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझ लीजिए। देखिए, कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो कोई लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये दो कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी पहली जो कंडीशन है, फॉर यूनिक सोल्यूशन अगर निकालना है तो इसके लिए आपको a1/a2 ≠ b1/b2 कंडीशन पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन एक हो गया। दूसरा क्या है, फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए आपको a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशंस अगर मेनी सोल्यूशन रखती हैं तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है, पहले देखिए, एक ही सोल्यूशन तब होगा जब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और ऐसे हम देख के पता कर सकते हैं कि एक निकलेगा या नो सोल्यूशन, ये आपस में कट होंगी या नहीं होंगी या पैरेलल में होंगी। तो देख लीजिए, अगर सेकेंड कंडीशन है मान लो नो सोल्यूशन, तो क्या होगा, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, ये लाइन पैरेलल चलेंगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये तब होगी, इसमें मेनी सोल्यूशन होगा, यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप होगी, ऐसे इसी पर दूसरी लाइन होगी, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे इनके सो मेनी सोल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, हमने समझा दिया है, लेकिन कंडीशन ये याद कर लेंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन फाइंड के इफ kx - y = 2, मैं इक्वेशन नोट कर लेती हूँ, kx - y = 2 एंड 6x - 2y = 3, ठीक है। तो अभी हमने आपको जो इक्वेशन बताई उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कोफिशियंट ऑफ x है, तो a1 जो है वो हो गया k, b1 is -1 और a1 a2 से काम चल जाएगा तो हम c को नहीं लिख रहे हैं, a2 = 6 और b2 = -2, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 ≠ b1/b2, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जब हम लगाएंगे इसमें तो हम पहले लिखेंगे a1/a2 ≠ b1/b2 और a1 हो गया k/6 = -1/-2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया, तो यहाँ इज नॉट इक्वल टू लगेगा, दैट मीन्स k = 3, ये आंसर होगा आपका k की वैल्यू, क्लियर, ठीक है। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी इसी पे बेस्ड है, इसको भी हम करते हैं सेकेंड नंबर, और ये है सेकेंड नंबर, फॉर केस में भी बताना है लेकिन मेनी सॉल्यूशन बताने हैं, तो 2x + 3y = 5 है और 4x + k = ये के वाई है, यहाँ पर वाई मिस हो गया है, +ky = 10, तो a1 is 2, a2 is 4, ठीक है, b1 is 3, b2 is k, तो
अब इसमें कौन सी कंडीशन है, मेनी, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. तो ए वन अपॉन ए टू जो है वो क्या होगा, टू अपॉन फोर इज इक्वल टू थ्री बाई के. ठीक है, अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू सिक्स आ गया. तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कंडीशन दे करके पूछे जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए, थ्री पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट 80 मिनट एंड 120 मिनट रिस्पेक्टिवली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है. देखिए, तीन पाइप है, अगर ए अकेला उसको भरता तो 40 मिनट में भरता, बी अगर भरता तो 80 मिनट में भरता, और अगर सी भरता तो 120 मिनट में भरता पूरा, अकेले अकेले की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसने कहा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स बी एंड सी बी क्लोज टू फिल द टैंक इन 30 मिनट. पता हाफ आवर मतलब 30 मिनट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट है, समझिएगा इसको कि बी और सी को कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद क्लोज किया जाता. हम मान लें बी एंड सी बी क्लोज आफ्टर एक्स मिनट. अब मान लें कि एक्स मिनट के बाद हम बी और सी को क्लोज कर देते हैं, तो एक्स मिनट तक तो तीनों पाइप काम करेंगे, ए बी और सी. तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे कितने टाइम तक, एक्स मिनट तक. तो यहां इंटू एक्स लिख दें प्लस, अब इसको क्लोज कर दिया बी और सी को, तो बचा हुआ पाइप कौन सा, ए, सिर्फ ए चलेगा अब. तो यहां लिखे ए पाइप, लेकिन टाइम कितना लेगा, टोटल 30 मिनट है, तो 30 में से एक्स मिनट ऑलरेडी चल चुका है. ठीक है, तो अब टाइम कितना बचा, 30 माइनस एक्स और दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे टैंक को हम हमेशा 1 लेके चलते हैं. क्लियर, अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जहां पर ए दिया है उसमें लेंगे हम 1/40, क्योंकि ए पार्ट निकाल रहे हैं, इतना इतना पार्ट फिल करेगा. सी का 1/20 इंटू एक्स, और ए हो गया 1/40 इंटू 30 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको ना देखिए यहाँ पे होता माइनस एक्स बाई 40, ठीक है, ये प्लस एक्स बाई 40 हो जाता, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लिख देंगे एक्स बाई 40 और इन दोनों में ले लेंगे एलसीएम इसमें. ठीक है, 80 और इसमें, तो अगर हमको मान लो एलसीएम नहीं लेना है तो हम दोनों वैल्यूज को एज इट इज उतार देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे. ठीक है, इन दोनों का यहाँ लिखा है, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, और इंटू एक्स प्लस 30 अपॉन 40 माइनस एक्स अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू 1. अब देखिए ये दोनों तो यहीं कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये इस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस 3 बाई 4 हो जाएगा, 1 माइनस 3 बाई 4 होगा, तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 3 बाई 4 मीन्स हो गया 1 अपॉन 4, जब एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे. और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 अपॉन 80 इंटू 120 इंटू एक्स. ठीक है, 20 से 20 कट गया, 2 × 12 हो गया, और देखिए 4 यहाँ है, 4 × 2 = 8 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12. 12 मिनट के बाद क्लोज करना पड़ेगा, यह आंसर आ गया आपका. ठीक है, क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ. फोर्थ क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ये निकालना है. बहुत इजी है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए. ठीक है, क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे. तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों एक ही हैं. तो अभी हमको निकालना है ये, और ये इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इज 15. ठीक है, और फिर से ब्रैकेट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 104 माइनस ए प्लस बी प्लस सी यानी 15 का स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, 1/2 इंटू 15
और इसको 3 से इंटू कर दीजिए, 4 तिया 12, 312 में से 225 को माइनस करिए, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, जो भी आएगा उसको ऊपर इंटू करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1, रुपीज 5, रुपीज 10 इज 3:5:7। मतलब कि 1 रुपी का जो कॉइन है वो अगर 3x है तो 5 रुपीज का जो कॉइन है वो है आपका 5x, और 10 रुपीज का जो कॉइन है वो 7x है। 1 रुपीज का ये, 2 रुपीज का ये, और सॉरी 5 रुपीज का ये और 10 रुपीज का 7 है, ये रेशियो दिए है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। टोटल रुपीज गिवन है, तो अभी कितने रुपए होंगे, 1 रुपए के इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 3x, फिर इसको इंटू करिए, 25x प्लस 70x इज इक्वल टू 980, ठीक है। अब इसको प्लस कर दें, 5 3 8, 98x इज इक्वल टू 980, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। अब पूछा क्या है, 10 रुपीज कॉइन पूछा है, तो 10 रुपीज कॉइन के लिए आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 10 इंटू 7 कर देंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि 5 रुपीज के कितने कॉइन है, तो x की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ पुट कर देते, तो 5 × 10 यानी कि 50 आंसर आ जाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो बेस्ड है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं। अ लैडर इज लीनिंग ऑन ए वॉल, ये दीवार मान लीजिए, वॉल हो गई ये, और इससे एक सीढ़ी खड़ी है, लैडर है ये, ठीक है, ये हो गई आपकी 30 डिग्री, लेंथ दी है लैडर की 10 मीटर, फाइंड करनी है फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर एंड वॉल। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर एंड वॉल, मतलब ये बतानी है आपको, हाइट भी पूछ सकते हैं कि वॉल की हाइट कितनी है, तो दोनों ही निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द लैडर एंड वॉल, मतलब फुट ऑफ द लैडर ये और वॉल के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आपको दिया है हाइपोटेन्यूज दिया है और बेस दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब ये एच और एक्स में यानी बेस में, एच और बी में कौन सा रिलेशन है, एच और बी में कॉस लगेगा, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बी मतलब एक्स अपॉन एच मतलब 10। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है जो साइन 60 होता है, यानी कि √3/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 10, और इसे सॉल्व कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो आपका आंसर हो गया, 5√3 के डिस्टेंस है। क्लियर? अगर √3 के फॉर्म में आंसर ना हो तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1.732, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। बट अगर आपको ये लेंथ ना पूछी जाती, मतलब अगर नेक्स्ट में टाइम अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछ लें कि दीवार की लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे, इसमें इसमें और इसमें, यानी कि H और ये परपेंडिकुलर है, H और P में रिलेशन, यानी कि साइन का फॉर्मूला लगाओगे और इसी तरीके से करोगे, आपके H आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सर्कुलर, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें A और B दो लोग हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और इस सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस है 750 मीटर, और जाने की दोनों की स्पीड दे रखी है 13 1/2 किलोमीटर पर आर और 9 किलोमीटर पर आर। इसे पूछा गया है कि दोनों कितने टाइम पे मिलेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशन होती हैं, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या दोनों अपोजिट जा रहे हो,
ठीक, अपोजिट मतलब अगर ए चलेंगे सेम ही साइड से, ए अगर इधर जाएगा तो बी इधर जाएगा, ये अपोजिट हो गया, ठीक है, ए इस साइड जाएगा और बी इस साइड भागेगा, तो ये अपोजिट हो गया, क्लियर। तो दो ही कंडीशन होती है। अब इसमें देखिए, अगर टाइम पूछा गया है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस और इंटू 5/18 क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर, देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आर में दिए हैं, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करके ही से सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो सेकंड में होगा, क्लियर। अपोजिट में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस में और नीचे S1 प्लस S2 यानी कि दोनों स्पीड का प्लस कर देंगे और इंटू 5/18 कर देंगे, तब इससे आपका निकल आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाए हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और टाइम अगर इसमें निकालना है सेम में, तो 750 अपॉन 13.5 में से 9 माइनस कर देना है और इंटू 5/18 कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 750 अपॉन 0.5, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 4.5 इंटू, अब देखिए ये 5/18 है तो ये ऊपर चला जाएगा 18/5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ गया और 9 से कट कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 5 चौक 20, 5 से कट गया 5, 1 5, 6 7, 5 25, 15 3 15 4 60, इतने सेकंड के बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर डिफरेंट आते हैं अपोजिट में भी, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अमन टेक अ डेब्ट ऑफ रुपीज 4000, 4000 रुपए का ऋण लिया, ही गेव इंटरेस्ट ऑन सम मनी एट 8%, कुछ मनी को उसने 8% के हिसाब से और बची हुई मनी को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। इफ ही गेव टोटल इंटरेस्ट इतना दिया है तो उसने 8% पे कितना पैसा उठाया था, ठीक है, मतलब कितना पैसा लिया था उसने, डेप्ट है ना। चलिए अब देखिए, SI इज इक्वल टू होता है PRT/100, ठीक है। अब मान लीजिए 8% पे उसने एक्स रुपीज लिए, हमने मान लिया, तो एक्स रुपीज पे कितना इंटरेस्ट देगा, पी की जगह हम लेंगे एक्स, आर हो गया 8, टाइम को 1 ले लेंगे क्योंकि टाइम तो दिया ही नहीं है, ठीक है, पूरे साल की बात करेंगे, एक साल अपॉन 100, प्लस यहाँ पे बचा हुआ पैसा कितना, 4000 में से एक्स घटा देंगे और 10% इंटू 1% भी ना ही लिखिए, अपॉन 100, और कितने रुपए टोटल इंटरेस्ट हुए, 352, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए दोनों में 100 है नीचे और x की वैल्यू को हम सॉल्व करना ही नहीं चाहते, हमें 0-0 नहीं कट करेंगे, यानी ये आ जाएगा 8x अपॉन 100 प्लस, इसको हम लिख देंगे 0 से 2 0 कट जाएंगे, देखिए ये देखिए 1-0 ये आ गया, पहले लिख लेते हैं नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, दिस इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10x अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 352। हमने सिर्फ क्या किया, इसके साथ इसको ले लिया, फिर इसके साथ इसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये xx वाले एक तरफ लेके सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 100 LCM हो जाएगा और ये आ जाएगा 8x माइनस 10x और दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 352। अब देखिए 2-0 से 2-0 कट गए, 400 आ गया, ठीक है। अब 400 में से 352 को हम कर दें माइनस, तो कितना हो जाएगा 8 और यहां से कैरी चला गया, यहां बचा 9, 9 में से गया 48, ठीक है, क्लियर। तो हम यहां डायरेक्ट लिख दें 48 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, अब देखिए माइनस का आएगा 48 माइनस 2x अपॉन 100, ठीक है। और या तो आप ऐसे कट कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कट कर दीजिए, 2 2 4, 2 4 8, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 2400, यानी इतने रुपए उसने ले लिए थे 8% के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 10% पे कितना लिया, अगर 10% पे पूछेंगे तो क्या करोगे, 4000 में से
इसको माइनस कर देंगे तो उतना पैसा 10% के अकॉर्डिंग उसने लिया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखिए इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर टिक करना होता है, यानी कि फॉर्मूले अगर याद है, आइडेंटिटीज याद है, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं विच इज नॉट ट्रू। तो 1 + 10² θ इज इक्वल टू sec² θ, तो फर्स्ट तो हो गया करेक्ट। sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। sec² θ इज इक्वल टू 1 - 10² θ, 1 + cot² θ, ये भी सही है। तीसरा गलत है, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए इनको याद कर लीजिएगा आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 10, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 28 है, मतलब सारी साइड जो है वो 28 हो जाएंगी, ठीक है। 3 सर्कल बनाने हैं, वर्टेक्स को लेना है सेंटर और टच करते हुए, 3 वर्टेक्स हैं, एक से सर्कल यहां बनेगा ऐसा, दूसरे से सर्कल यहां बनेगा ऐसा, और तीसरे से सर्कल यहां बनेगा ऐसा। तो देखिए ये 28 है तो ये हो गई 14, ये भी 14, ये भी 14, ठीक। अब ये समझने वाली बात है, आपको निकालना क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज नॉट इन सेक्टर। सेक्टर में नहीं है, यानी इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करोगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, यही आपको निकालना है, ठीक। तो अभी देखिए ये टोटल 28 है, इसका आधा कर दो तो रेडियस हो गई 14। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, सारे 60 होंगे, ठीक। और तीनों जो सेक्टर बने हैं वो सेम है, यानी एक का एरिया निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का एरिया निकल आएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 28 है ना, हाँ 28 का स्क्वायर, क्योंकि 3 सेक्टर हैं तो 3 से इंटू करेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जब एंगल गिवन हो तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर यहां लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू लगा दी, आर आपकी कितनी हो गई 14, 14 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। अब देखिए ये तो कट जाएगा 6 बार, और ये भी कट गया 3 × 2 = 6, ठीक है। और इसको आप सिंपल, इसको पहले सॉल्व करिए, फिर ये जो वैल्यू बची है 22/7 इंटू 14 × 14/2, अब इससे भी कट जाएगा, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसको आपस में माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का कहीं भी क्वेश्चन आए तो देखिए यहाँ 10 दिया है, कॉट दिया है, सेक दिया है, कॉसेक दिया है, इसका मतलब एक को अगर हम सॉल्व करें या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये इज इक्वल टू, जैसे ये वैल्यू है, ये इज इक्वल टू इसके होता है, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वैल्यू है, हम इसको देखो sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, इसको हम लिख देंगे 1 + tan² a, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे 1 + cot² a, और दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 + cot² a और प्लस, देखिए हमने पहले 1 से इसको इंटू किया, अब इससे इसको करेंगे 10² a + 1, cot a इंटू 10 a 1 होता है, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 हो गया 2, cot² a + tan² a, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल इज 1/6 ऑफ SP. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, प्रॉफिट जो है, यानी प्रॉफिट लिख देती हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इससे लिखें प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/6. अब देखिए, अगर एक का प्रॉफिट है SP ये है, तो इससे हम CP निकाल सकते हैं. तो CP इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस प्रॉफिट, यानी कि 5, अगर 5 इसका CP आ गया, C मतलब CP यानी कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब इसका परसेंटेज पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट, तो P 100 बाई 1 अपॉन 5 इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, 20% इसका आंसर आ गया. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन दिया है, हमने लिखा नहीं है क्वेश्चन, समझा देते हैं. इसमें क्या दिया है, एक कोन दिया है जिसकी हाइट गिवन है, जिसकी वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है उसका. ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है, रेडियस नहीं दी है, रेडियस दी है HR नहीं, रेडियस गिवन है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πr(l+r). ठीक है, आप देखिए इसमें l नहीं दिया, l निकाल लीजिए, l इज इक्वल टू होता है l² = h² + r² यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे और l आपका निकल जाएगा, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये l आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे r की, l की, r है 7, l जो आप निकालेंगे डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा. और ये ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, उसको पूरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो निकाल लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल दिए हैं और टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, एक की रेडियस 18 है, दूसरे की रेडियस 12 है, और दोनों का क्या निकालना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट R1 18 इंटू 12, सॉल्व कर दीजिए, 9 × 2 = 18, 4 × 3 = 12. ठीक, इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 2, और ये हो जाएगा √6. तो इंटू कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 12√6 आ गया आंसर इसका. ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है. देखिए, एक ट्रायंगल दिया है, उसकी साइड दे दी है, मतलब लेंथ, उसकी लंबाई दे दी है. ठीक है, अब पूछा गया कितने ट्रायंगल्स बनेंगे. पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो एक ही सर्कल बनेगा इनके वर्टेक्स से हो करके. ठीक है, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो एक ही सर्कल बनेगा, वन सर्कल. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं बनेगा. देखिए, आपको दिया है PQ 11, QR 13, PR 24, इन दोनों का प्लस इसके इक्विलेंट है, मतलब PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR है, यानी ये भी 24 है, ये दोनों को मतलब 11 और 13 24 हो गए, ये 24 हो गए, यानी ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. ये क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी जिसपे ये तीन पॉइंट ए मतलब PQR लाई करेंगे. अगर ये 11 है, ये 13 है, तो PR 24 होगा, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये एक लाइन बन जाएगी. क्लियर, तो लाइन बनेगी तो इसमें क्या होगा, सर्कल बनेगा ही नहीं, जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो आंसर इसका 0 आ जाएगा. ठीक है, आप बस ये कंडीशन याद रखिए, हो सकता है अगला क्वेश्चन आए तो उस पर ट्रायंगल बन जाए, तो आंसर 1 टिक लगाइएगा. चलिए आगे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट द लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है. अच्छा, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और इसमें से एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कट कर लिया गया है.
ये ट्रायंगल कट किया है, ठीक है, आपको बताना है लेंथ ऑफ द साइड। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये आर दे रखा है, आर यूनिट। अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड ये है, यानी कि ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बन गया है, ठीक, और इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। तो अगर रेडियस दे रखी है तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए बाय रूट थ्री, यानी आर क्या है, ए क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल है। क्लियर? तो अब ये फॉर्मूला हो गया, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, यानी ए निकालनी है। तो ए कितनी हो जाएगी, रूट थ्री आर, ये आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 17 क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। 2x plus 3y is equal to 25, xy is equal to 60, ये निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दीजिए a cube और b cube की वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ 8x cube डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, a को मान लें 2x और b को मान लें 3y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में लगा रहे हैं, अच्छा, इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 3y, और दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y का स्क्वायर, और माइनस 3ab, a का मतलब 2x इंटू 3y, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 3y दे रखा है 25, और ये भी 25 है, 25 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू, ये देखिए 3 × 3 = 9 × 18 यहाँ लिख दीजिए, और xy जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये 25 का स्क्वायर 625, और ये आ गया 6 × 36 = 6 × 48, यानी 4 × 6 = 6, 6 × 4 = 10, ठीक है। जो भी आएगा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने पूरा नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए इसमें क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। मैंने थोड़ा हिंट के लिए लिख लिया था कि देखिए इसमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में एक साइड अगर 5 दी है, दूसरी 12 दी है, और ये 13 दी है, ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया है इसमें कि इसके मिड पॉइंट ले लो साइड के, और इससे बना हुआ एक ट्रायंगल है, अगर मान लो ये ए बी सी है और ये हो गया ई एफ जी, ठीक। तो आपसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी, ये पूछा है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका 1/4 एरिया ये होगा, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो 1/4 एरिया कितना है, ये राइट एंगल हो गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो गया 12, हाइट हो गई 5, ठीक है। तो ये हो गया 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 15/2, 7.5 आंसर आ गया इसका। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19 समझ लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कैसे करोगे, देखिए पहले तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, तो इससे आपकी आ जाएगी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है, ये वन हो गया, ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस करेंगे तो 9 × 2 = 11, यानी 2/9 आ गया, और यहां का 2 यहां आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। क्लियर? ये तो 1/9 आ गई, अब आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मूला होता है कि अगर हमें ये निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ माइनस लगा हो तो ये हो जाएगा 4ab के, ठीक है। क्लियर?
तो ये मतलब अगर ये फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते हैं, तो अगर हम ये कर देंगे और a इक्वल टू साइन थीटा, b इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा इससे, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया रूट थ्री रूट 11 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए बी का मतलब क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि 1/9, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लेके जाएंगे ये हो जाएगा 11/9, इसको इधर ले आइए 4/9, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें से 11 में से 4 माइनस करिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 4, 11 होता है 11, 7/(sin θ माइनस कॉस थीटा, अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए यानी √7/3 ये आंसर आएगा, क्लियर, ठीक है। 4ab, हाँ तो इस ये वाला फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है ये समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट दिए हैं। अगर ये 40 है तो टेंजेंट एक ये है और एक ये है, तो ये एंगल बताना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 और 90 होगा, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल बना, तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री होगा यानी कि ये दोनों तो 90-90 होगा, तो इसको 90 में से माइनस कर दें, 90 में से 40 माइनस कर दें, 50 डिग्री आंसर आ गया इसका, यानी कि ये 50 डिग्री हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अ स्फीयर कट फ्रॉम अ क्यूब हैव साइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 21, कि एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, ये हमने क्यूब बना लिया समझाने के लिए, ठीक। अब इसमें से एक स्फीयर को कट करना है, मैक्सिमम जितना बड़ा कट सकता है, तो जब हम इसमें से स्फीयर को कट करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा स्फीयर बनेगा, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो इसका रेडियस डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी साइड है 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का, 7, तो आर हो जाएगा 7, और वॉल्यूम लगा दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का फॉर्मूला 22/7, और आर क्यूब का मतलब 7 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22, जिसके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, 14 ये समझा देते हैं पहले हम। अगर आप कोई भी वस्तु या कोई भी आर्टिकल 14 खरीदते हो तो 6 आर्टिकल फ्री मिलते हैं, अगर 21 खरीदते हो तो 11 आर्टिकल फ्री मिलते हैं, विच इज बेटर, बेटर कौन सा है, क्या खरीदोगे आप। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, मतलब इन दोनों का इक्वल कर देना है। एक्चुअली इक्वल करने के लिए क्या करोगे आप, इसका पहले एचसीएफ ले लो, आप 7 से कटेंगे दोनों, ठीक। तो पूरी इसको आप क्या करो, एचसीएफ ना लेके एलसीएम ले लो, तो देखिए 7 × 14, 7 × 21, अगर आप इसको 2 से इंटू कर दो और इसको 3 से इंटू कर दो, ठीक, तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 14 आर्टिकल 6 फ्री, ठीक, और 21 आर्टिकल 11 फ्री, ठीक है। तो आप इसको इंटू करो 3 से 14 × 28, 14 × 42, और इसको करो 2 से इंटू, तो ये हो जाएगा 14 × 42 आर्टिकल और 6 × 18, 18 फ्री, और इसको 2 से इंटू करोगे आप पूरे को तो 42 आर्टिकल और 22 फ्री, ठीक है। इसका इंटू पूरे में करना है, ठीक है, तो इन दोनों को इंटू करना होता है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अगर इसमें 3 से इंटू कर दो और इसमें 2 से इंटू कर दो, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, इससे हम निकाल लेंगे कौन सा बेटर है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको डायरेक्ट टिक कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, शॉर्ट में बता देती हूँ, और कोई ट्रायंगल है पीक्यूआर। ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होगी, तो साइड 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 वाली कंडीशन लगेगी, यानी फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है SAS, मतलब ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल होगी, तो सेकंड कंडीशन भी करेक्ट है। थर्ड कंडीशन एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल और ये एंगल साइड एंगल, ये होगा तो ये भी करेक्ट है, यानी फोर्थ आंसर होगा। वो सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो यही आंसर सही है, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। एक लैडर है जो 60 डिग्री पे खड़ी है और दीवार की लेंथ आपको निकालनी है, ये निकालनी है इसमें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। क्या बता रहा है इसमें पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब इसमें इन दोनों का रिलेशन बताओ, इसको एच मान लें अगर, तो पी बाई, पी का मतलब एच अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो एच अपॉन टेन रूट थ्री यहां ले लें, और टेन सिक्स साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। बहुत अच्छा, पूरा हो गया, थ्री हो गया, पांच तीन 15, 15 आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए 24th के बाद 25th समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 103 गिवन है, ये वैल्यू निकालनी है, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है और इसमें एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, अगर मान लो इस फॉर्म में ना दिया हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, कंडीशन अगर ऐसी दी है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास यहीं ओवर कर रही हूँ। 25 क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए हैं, आप रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम अभी आगे देने वाले हैं उन बच्चों के लिए। तो चलिए क्लास ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।